मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को मेरा और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष 1757 से 1947 तक 100 वर्ष की पूरी घटनाओं का विधिवत एक घटनाक्रम उस काल का और वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक के अनेक क्रांतिकारियों का मैं आपके सामने उनका महान व्यक्तित्व, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनका सर्वस्व अर्पण समर्पण देश के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए आपके सामने ला चुका हूं। एक से एक बढ़ करके बलिदान के स्वर्णिम पृष्ठ इतिहास में बांधने वाले, बढ़ाने वाले, लिखवाने वाले, एक से एक बढ़कर शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा दिखाने वाले, शिखर पर बैठे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक, सब प्रकार के वर्ग, किसान, मजदूर, सैनिक, साधु संत महात्मा, 1857 की तो वो महान क्रांति के सूत्रधार बहुत बड़े पैमाने पर, एक तरफ नाना साहब पेशवा थे तो उनके साथ साधु संत महात्माओं की एक बहुत बड़ी टोली, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा ग्रुप, सब प्रकार के लोगों का 1857 का ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के अत्याचारों से पीड़ित होकर और उसके विरुद्ध आवाज और महान संघर्ष, जिसको क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने महान क्रांति बोला, जिसको उसके पहले गदर बोला जा रहा था, और कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ किया, दबा दिया, नहीं, यद्यपि वो क्रांति 100% सफल नहीं हुई, परंतु उस क्रांति का आरंभ 1947 तक पहुंचा। शुरुआत अगर वो ना होती तो शायद 1947 भी जल्दी ना आता, इसलिए वो सारी कुर्बानियां, वो सारे बलिदान, वो सारा त्याग, वो सारी तपस्या, फांसी के तख्ते पर हमेशा की नींद सोने वालों की, अंडमान की सेलुलर जेल के काला पानी के बहुत भयानक अत्याचार सहने वालों की, 98% लोग वहां जाने वाले वापिस नहीं आए, वहीं की मिट्टी में समाप्त हो गए, मिल गए, एक लंबा इतिहास। यद्यपि ये इतिहास में राजा सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक आपके सामने 700-800 वीडियोस के साथ आ रहा हूँ, पर अभी इस 190 वर्ष के इतिहास में अभी 20-25 क्रांतिकारी और किस तरह के, आइए देखते हैं जरा किस तरह के आज हम जिसकी चर्चा करेंगे। झनकू सिंह और बुढ़िया भगतिन, झनकू सिंह और बुढ़िया भक्तिन, देखिए जरा इनका कमाल, किस किस कैसे कैसे लोगों ने, किस प्रकार के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को आहुत कर दिया और इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता इन सबको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्मरण भी करें, श्रद्धांजलि भी दें और जनता तक इनका बलिदान जाए, लोगों को प्रेरणा मिले, और आज भी जो संकट है, खतरे हैं, चुनौतियां हैं, उनको हम इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। आइए आज हम देखें, सन 1921 में ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों ने भारतीयों को बेचैन कर दिया हुआ था, बहुत परेशान थे, असहयोग आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, जलियांवाला कांड 1919 का, बैसाखी के दिन वाला, निर्दोष असहाय नहीं थे लोगों पर जनरल उडायर का वो पाशविक व्यवहार, तोप के गोलों के आगे कैसे फायरिंग खोल करके, किस प्रकार से कुओं में कूद करके महिलाओं ने, कितना बड़ा वो कांड था। लंदन जाके उद्धम सिंह ने बदला लिया शैतानी दा,
उसी जनरल डायर को मारने वाला उद्धम सिंह कैसे बड़ा हुआ, छोटा सा बालक। भगत सिंह ने भी वहीं से संकल्प लिया था। वो सारे मैंने बातें आपके सामने समय समय पर लाता रहा हूं। जलियांवाला कांड के बाद, वो हत्याकांड जो था उसके बाद देश में कुछ आक्रोश था, गुस्सा था, चेतना जागृत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारत का समाज सुप्त अवस्था से बाहर निकल रहा है। विजय झंडा, विजय विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन सरों के स्वरों के साथ, इन नारों के साथ, इन पंक्तियों के साथ राष्ट्रीय भावना की ओर बढ़ रहा था समाज। सारा समाज तो कभी भी किसी भी देश में नहीं जागता, लेकिन यहां भी प्रॉब्लम थी, पर लोग जाग रहे थे। बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब प्रकार के, सब वर्ग के लोग कुछ गाते हुए आगे निकल रहे थे। सब लोग तिरंगे झंडे के लिए, उसके सम्मान में कुछ करना चाह रहे थे। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, इस तरह का वातावरण सारे देश के अंदर बनता दिख रहा था। इसी सारे के बीच में ये सब चल रहा था, तो एक झनकू सिंह नाम का किसान, साधारण किसान, शूरवीर, परमवीर और एक वीरांगना बुढ़िया भगतिन को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि ये सब जब चल रहा था तो ये दो लोगों का बलिदान देखिए जरा कैसे होता है। रायबरेली जनपद में करहिया रियासत का एक अत्याचारी जागीरदार अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय जनता पर लादे गए करों को वो बड़ी सख्ती से, बड़ी बेदर्दी से, बड़ी ज्यादतियां कर रहा था उन करों को एकत्रित करने के लिए। अंग्रेज सरकार का उसको संरक्षण प्राप्त था। भोली भाली जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन कोई सुनवाई उसकी नहीं थी। अब तंग थे, परेशान थे, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था उन दुष्टों के आगे बोलने का। लेकिन इसी करैया रियासत का एक किसान, एक साधारण किसान झनकू सिंह ये सब सहन नहीं कर सका और उसने इस सारे जुल्म के खिलाफ, आंधी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ, दुष्टता के खिलाफ आवाज उठाई। जागीरदार कुछ आगे बढ़े, इससे पहले कि वो कुछ देख रहा था, वो जागीरदार जब सामने आया तो इसने नारे लगाने शुरू कर दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और झंडा हाथ में लिए हुए था। अकेला ही झनकू सिंह झंडा हाथ में लिए भारत माता की जय का घोष कर रहा है, और उस जागीरदार ने सोचा ये अकेला है, ये क्या कर लेगा। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसने थाने में पुलिस को सूचित किया, और थानेदार पुलिस को लेकर, एक्स्ट्रा फोर्स को लेकर, बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर के वहां पहुंच गया। झनकू सिंह भीड़ का नेतृत्व करता हुआ झंडा हाथ में लिए आगे बढ़ रहा था। अब जब पुलिस वालों को अपनी ओर आते हुए देखा तो झनकू सिंह और अधिक जोश में आ गया, नारों के तीव्र स्वरों से आकाश गूंजने लगा। थानेदार समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है, इतने लोग कहां से आ गई और कौन ऐसी हिम्मत कर रहा है। हाँ, उस समय
इस प्रकार के नारे लगाना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत समझी जाती थी, विद्रोह समझा जाता था। लेकिन झनकू सिंह की तरफ वो थानेदार जैसे ही आगे बढ़ा उसके हाथ से झंडा छीनने के लिए, और झनकू सिंह के ध्यान में ये बात आ गई कि ये मेरे से झंडा छीनने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसने किसी भी हालत में झंडा ना छोड़ने का मन ही मन में संकल्प ले लिया, अंदर से अपने आप को मजबूत कर लिया। थानेदार जैसे ही निकट आया, उससे झंडा छीनने को हुआ, तो झनकू सिंह की पकड़ और मजबूत होती चली जा रही थी। दोनों के गुथम गुथा में थानेदार गिर पड़ा और पुलिस वाले टूट पड़े। थानेदार गिर पड़ा तो थानेदार को और क्रोध आ गया, अरे ये क्या हो रहा है, और पुलिस वाले आगे बढ़े। लेकिन उस थानेदार ने झनकू सिंह को अपने गिरने की जो कहना चाहिए खुन्नस निकाली, जो बदला लिया, वो उसने झनकू सिंह को गोली मार कर लिया। और झनकू सिंह जैसा महान, वो साधारण किसान क्रांतिकारी वहीं पर हमेशा की नींद सो गया। लेकिन बात तो यहां खत्म नहीं हुई। झनकू सिंह को जब गोली मारी गई, तो इससे पहले कि वो झंडा जमीन पर गिरे, वो लड़खड़ा रहा था। ये बुढ़िया भगतिन जिन दो लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं, झनकू सिंह का वो झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। इस बुढ़िया भगतिन ने वो झंडा थाम लिया और उतने ही जोर से वही नारे, भारत माता की जय। कुछ सिपाही बुढ़िया की तरफ लपके, उन्होंने बुढ़िया भक्तन को झंडे को, बड़े बुढ़िया भक्तन के हाथ में झंडे को छीनना चाहा, लेकिन झंडा बुढ़िया भक्तन के हाथों से अलग नहीं हो रहा था। दो दो तीन तीन सिपाही बुढ़िया भक्तन के हाथों में उलझे हुए थे, लेकिन झंडे पर बुढ़िया भक्तन की इतनी मजबूत पकड़ थी कि लाठी वो डंडा झंडे वाला बुढ़िया भक्तन के हाथों से टस से मस नहीं हो रहा था। बुढ़िया टस से मस नहीं हो रही थी। थानेदार ने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक बढ़ सकती है, लोग इस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, जुलूस वालों के हौसले इतने बुलंद हो सकते हैं। इस क्रोध से आग बुगुला होकर उसने एक गोली बुढ़िया भगतिन को भी दाग दी, मार दी। बुढ़िया भी नीचे गिरती, गिरते गिरते एक बच्चे ने बुढ़िया के हाथों से वो झंडा थाम लिया, झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। लेकिन बुढ़िया भी शांत हो चुकी थी और फोर्स आ गई थी। उन्होंने भीड़ को जैसे कैसे बहुत मुश्किल से तितर बितर किया, भीड़ को वहां से जाने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया। पर लोग उन दोनों की, उन बलिदानियों की, झनकू सिंह और उसकी बुढ़िया भक्तन की, शवों को साथ ले जाना चाहते थे। वो साथ लेके गए, सब लोग उनका, शवों का जो दाह संस्कार हुआ, बहुत लोग, लेकिन सब लोग भी हैरान थे, पुलिस वाले भी हैरान थे कि आज जो हुआ है ये किसी ने सोचा नहीं था। झंडे की आन बान शान के लिए झनकू सिंह और बुढ़िया भक्तन ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ऐसे ही शहीदों के खून की स्याही से लिखा गया है। और स्वतंत्रता कहा गया हमें कि नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक गोली नहीं खाई, एक लाठी नहीं खाई, और जिनकी जेलें भी वीआईपी थी, ये शहीद थे। पिछले शहीदों की ये कुर्बानी देने वाले बलिदान वालों की एक लंबी श्रृंखला, सब कुछ
अपनी जवानी, अपना बचपन, अपना बुढ़ापा, अपने जीवन का एक एक क्षण, आयु का एक एक क्षण बलिदान करने वाले इन महान शहीदों की एक लंबी परंपरा। लेकिन लोग नहीं जानते, लोग नहीं जानते चूंकि इनको पढ़ाया नहीं गया, इनको बताया नहीं गया। आजादी के बाद ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर्स के हाथ में, जिनके हाथ में सत्ता आई, जिनको कुछ नहीं किया था, तब भी एक लाठी निखाई थी। वो एक लंबा का इतिहास है, मैं बता रहा हूं। बीच बीच में गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और ये नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर था। ऐसे और भी मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे हैं और आने वाले समय में मैं रखने वाला हूं। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में अपना सर्वस्व निशावर किया भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए, भारत माँ के उस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आपको आहूत करने वाले लोगों ने, उनको कहीं नहीं बताया गया। मैं एक कोशिश कर रहा हूं, एक प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।